नेक्स्ट डिस्कस कर रहे हैं हम कैसी थ्योरी के बारे में। कैसी है ये तो पता नहीं, फिर भी देख लेते हैं। देखिए ये यहाँ पर हमारे पास क्या है, कैसी थ्योरी का मतलब ये है कि हमारे पास क्या हो रहा था, सर्किट ब्रेकर के बीच में आर्क जो है वो रीस्ट्राइक कर रही थी। किसकी वजह से? रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज की वजह से। अगर उस आर्क को हमें क्या करना है, रीस्ट्राइक होने से रोकना है, तो कैसी थ्योरी? एक थ्योरी हम पहले डिस्कस कर चुके हैं, वोल्टेज रेस थ्योरी, कि डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ की रेट को बढ़ा दो कंपेयर टू रीस्ट्राइकिंग वोल्टेज। दूसरी थ्योरी ये कह रही है कि हमारे पास जब आर्क डेवलप होती है तो हमारे पास सर्किट के जो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट है उनके बीच में हीट डेवलप होती है। अगर इस हीट को मैं एक्सटर्नल मीडियम में या आउटर साइड मीडियम में डिसिपेट कर दूं, जितनी हीट जनरेट हो रही है उसके कंपेयर में ज़्यादा हीट जो है मैं डिसिपेट कर दूं आउटर मीडियम में, तो आर्क रीस्ट्राइक हो ही नहीं पाएगी। तो यही हमारे पास थ्योरी क्या बोल रही है कि अगर रेट ऑफ हीट डिसिपेशन इज मोर देन दैट द रेट ऑफ हीट जनरेटेड बिटवीन द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट, जो हमारे पास हीट जनरेट हो रही है सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्स में, वो हमारे पास हीट डिसिपेशन से क्या हो, कम हो, या फिर हीट डिसिपेशन हो वो ज़्यादा हो। ठीक है, अब इसके लिए दो मेथड अप्लाई किए जाते हैं। हम क्या करते हैं इसके लिए, पहला मेथड जो रहता है हमारे पास हाई रेजिस्टेंस आर्क इंटरप्शन मेथड रहता है। हाई रेजिस्टेंस आर्क इंटरप्शन मेथड, दूसरा लो रेजिस्टेंस आर्क इंटरप्शन मेथड। दो मेथड हम डिस्कस कर, क्लियर? तो सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे हाई रेजिस्टेंस आर्क इंटरप्शन मेथड। ठीक है, वन बाय वन डिस्कस करेंगे और उसके अकॉर्डिंग ही सर्किट ब्रेकर के टाइप को हम डिसाइड करेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं हाई रेजिस्टेंस आर्क इंटरप्शन मेथड। इसमें क्या करते हैं, देखो जरा प्लीज, इसमें ये करते हैं, एक तरीका क्या है, ये जैसे सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट है, ठीक है, ये सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट हो गए, ये फिक्स कॉन्टैक्ट और ये हमारे पास मूविंग कॉन्टैक्ट। ठीक, अब इनके बीच में क्या होता है, आर्क डेवलप होती है। ठीक है, ये आर्क इस तरह से सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट में फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच में डेवलप हो जाती है। ठीक है, अब हम क्या चाहते हैं कि अगर मान लीजिए इस आर्क के पाथ में, ये जो आर्क का पाथ है, इस आर्क के पाथ में रेजिस्टेंस बढ़ जाए, हम इस आर्क रेजिस्टेंस को क्या कर दें, इंक्रीज कर दें, उसके बीच में रेजिस्टेंस बढ़ा दें, तो आर्क करंट क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, तो आर्क क्या हो जाएगी, रीस्ट्राइक हो जाएगी। तो रेजिस्टेंस कैसे बढ़ाएं, आर्क रेजिस्टेंस हमारे पास, आर्क पाथ रेजिस्टेंस बढ़ाने के क्या तरीके होते हैं, रेजिस्टेंस क्या होता है बताइए जरा, आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। कहने का मतलब ये है कि लेंथ ऑफ आर्क बढ़ा दूं तो हमारे पास आर्क रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। इसका मतलब यह है कि एलोंगेशन ऑफ आर्क, पहला मेथड हमारे पास क्या हो गया, एलोंगेशन ऑफ आर्क, दैट मींस इसका मतलब क्या हो जाएगा, लेंथ को बढ़ाओगे, लेंथ ऑफ आर्क बढ़ जाएगा तो हमारे पास रेजिस्टेंस भी क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। रेजिस्टेंस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ, क्लियर? तो हमारे पास ऐसा है कि इसको अप्लाई करोगे तो आर्क रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा, आर्क रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो आर्क हमारे पास रीस्ट्राइक नहीं करेगी। एक तरीका तो ये हो गया, मतलब आर्क को आपको क्या करना, आर्क का जो पाथ है उसको क्या करना, एलोंगेटेड करना है, मतलब लेंथ बढ़ा दो। तो जैसे मान लीजिए यहाँ पे लेंथ कम है, अब दूसरे में हमारे पास क्या हो गया, लेंथ बढ़ गई, तो लेंथ बढ़ गई तो रेजिस्टेंस बढ़ गया। दूसरा तरीका क्या हो गया, स्प्लिटिंग ऑफ आर्क, स्प्लिटिंग ऑफ आर्क। लेंथ कैसे बढ़ाएंगे वो हम डिस्कस करेंगे। स्प्लिटिंग ऑफ आर्क में क्या किया जाता है, एक ऐसे आर्क स्प्लिटर लिया जाता है, ये होता है आर्क स्प्लिटर। इस आर्क स्प्लिटर में क्या होते हैं, ऐसे छोटे छोटे स्प्लिटर इस तरह से बने होते हैं। अगर मान लो कोई आर्क यहां से मूव कर रही है तो उसके बीच में क्या आ गए, आर्क को क्या कर दिया, अलग अलग भागों में स्प्लिट कर दिया, तो जिसकी वजह से आर्क के बीच में क्या हो गया, रेजिस्टेंस बढ़ गया, तो आर्क रीस्ट्राइक नहीं करेगी। तो पहला मेथड जो है वो हमारे पास हाई रेजिस्टेंस आर्क इंटरप्शन मेथड ये है। ये मेथड ऐसा बोलता है कि अगर आपको आर्क को एक्सटिंग्विश करना है, आर्क को रीस्ट्राइक करने से रोकना है, तो आप उसका आर्क पाथ का रेजिस्टेंस बढ़ा दो। रेजिस्टेंस बढ़ाने के लिए दो तरीके हैं, लेंथ बढ़ा दो आर्क
पाथ की और दूसरा स्प्लिट कर दो आर्क को। सो हमारे पास फर्स्ट इस मेथड में लिख दीजिएगा, वीडियो पॉज करके पहले ये बना दीजिएगा, फिर इस मेथड में लिखो। इन दिस मेथड आर्क इज एक्सटिंग्विश बाय इंक्रीजिंग द आर्क पाथ रेजिस्टेंस so arc will not restrike. There are two methods. पहला ये लिख दीजिएगा elongation of arc और दूसरा क्या है splitting of, हमारे पास splitting of arc, ठीक है। अब देखो जरा प्लीज high resistance arc interruption method use कहाँ किया जाता है, इसको पूरा example के थ्रू समझते हैं। ये तो हमने just introduction दिया, example इसका कहाँ होता है, जैसे आपने सुना होगा ACB, ACB क्या होता है, एयर सर्किट ब्रेकर, वहाँ पे इस मेथड का यूज़ होता है, तो उसको हम डिटेल से डिस्कस करते हैं। कई बार बोला जाता है ABCB दो टाइप के जनरली है ना, ABCB का मतलब क्या होता है, कई बार बोलते हैं एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर और कई बार बोलते हैं एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर, ये बात आपको थोड़ा ध्यान रखना है। ABCB का सिंपल यहाँ पर हम जो बोल रहे हैं वो क्या है, एयर ब्रेक सर्किट ब्रेकर। तो एयर सर्किट ब्रेकर में इस मेथड को हम यूज करेंगे, इन डिटेल वी विल डिस्कस, ठीक है। कैसे करते हैं देखिए जरा प्लीज, देखिए कैसे करते हैं इसको। सबसे पहले क्या होता है, जब हमारे पास कॉन्टैक्ट्स क्लोज होते हैं, जैसे मान लीजिए ये फिक्स कॉन्टैक्ट है, ये आपस में कनेक्टेड थे और ये मूविंग कॉन्टैक्ट है, फिक्स कॉन्टैक्ट और ये मूविंग कॉन्टैक्ट, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स हैं, ठीक। अब ये जो कॉन्टैक्ट्स बने हुए हैं किससे बने हुए हैं, कॉपर से बने हुए हैं। तो सबसे पहले क्या होता है, जब आर्क हमारे पास डेवलप होती है या फिर हमारे पास कोई फॉल्ट कंडीशन आती है, तो फॉल्ट कंडीशन आती है तो सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स को हम क्या करते हैं, ओपन करना स्टार्ट कर देते हैं। तो जब हम ओपन करते हैं तो कॉपर कॉन्टैक्ट्स को हम रिमूव करेंगे, इस तरह से डिस्टेंस पे ले आएंगे, इनकी डिस्टेंस बढ़ा देंगे, ठीक है, डिस्टेंस बढ़ा दी। अब जैसे कि आर्क लेंथ बढ़ जाए, लेकिन अब हमें और ज़्यादा आर्क लेंथ बढ़ानी है, जैसे हमने बोला था कि यहाँ पर इनके बीच में क्या हो जाएगी, आर्क डेवलप हो रही है, ठीक है, लेकिन उसकी लेंथ कम है, तो एलंगेशन ऑफ आर्क कैसे किया जाए, उसके लिए क्या किया जाता है, कॉपर कॉन्टैक्ट्स तो मेन कॉन्टैक्ट्स होते हैं, ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स प्रोवाइड किए जाते हैं। ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट्स किससे बनाए जाते हैं, कार्बन से बनाए जाते हैं। इसके ऊपर हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे इसके ऊपर ही इस तरह से ये होते हैं कार्बन के कॉन्टैक्ट्स, इनको बोलते हैं ऑक्सिलरी कार्बन कॉन्टैक्ट्स। कार्बन के क्यों यूज किए जाते हैं, पहली बात तो ये सुनिए जरा, कार्बन के इसलिए यूज किए जाते हैं क्योंकि कार्बन जो है डिटोरिएट नहीं होगा आर्क की वजह से, लेस डिटोरिएट, कॉपर जो है वो जल्दी से डिटोरिएट हो सकता है, कार्बन इज लेस डिटोरिएट टू विद रेस्पेक्ट टू आर्क। तो इसका मतलब ये है कि आर्क के पाथ को हम क्या कर रहे हैं, डाइवर्ट कर रहे हैं, तो आर्क के पाथ को हम डाइवर्ट कर रहे हैं तो आर्क करंट किधर से फ्लो होगी, इधर से फ्लो होगी। अब आर्क करंट इधर से फ्लो हो रही है, इसके आगे हम क्या लगा देते हैं, यहाँ पे मैग्नेटिक ब्लो आउट कॉइल्स लगा देते हैं, इनको क्या बोलते हैं, मैग्नेटिक ब्लो आउट कॉइल्स। यहाँ पर भी मैग्नेटिक ब्लो आउट कॉइल्स ये लगा दिया हमने, ठीक है। जब मैग्नेटिक ब्लो आउट कॉइल में क्या होता है, करंट फ्लो होगी, तो किसी भी कॉइल में करंट फ्लो होती है तो हमारे पास MMF डेवलप होता है, F=NI, और MMF डेवलप होता है तो फ्लक्स डेवलप होता है, MMF / रिलक्टेंस। फ्लक्स डेवलप होगा तो मैग्नेटिक फोर्स भी लगेगा,
क्या लगेगा, मैग्नेटिक फोर्स लगेगा, एफ इक्वल टू क्यू वी बी साइन थीटा, ये हमारे पास फोर्स लगेगा। तो कुल मिला के बाद ये है कि क्यू इज द चार्ज कैरियर, तो कुल मिला के बाद ये है कि जब हमारे पास यहाँ पर आर करंट मूव कर रही है, तो आर करंट जब मूव कर रही है तो एक तो क्या हो गया, एलोंगेशन हो गया, आर करंट का पाथ का रास्ता जो है वो बढ़ गया, लेंथ जितनी बढ़ेगी तो लेंथ बढ़ गई तो हमारे पास क्या हो जाएगा, रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। एक तरीका तो हमने पूरा कर दिया कि हाई रेजिस्टेंस आर्क इंटरप्शन मेथड में हमने क्या बोला था, दो तरीके लगाएंगे, एक तो एलोंगेशन ऑफ आर्क और दूसरा स्प्लिटिंग द आर्क। तो अभी तक तो हमने आर्क के पाथ की लेंथ को है वो डाइवर्ट कर दिया, पहले कॉपर कॉन्टेक्ट के बीच में थी, अब उससे किधर लेके कार्बन कॉन्टेक्ट से, फिर मैग्नेटिक ब्लोआउट कॉइल्स, मैग्नेटिक ब्लोआउट कॉइल्स क्या करती है, मैग्नेटिक फोर्स प्रोड्यूस करती है, वो फोर्स क्या करेगा, इस आर्क को ऊपर की तरफ अपवर्ड मूव करेगा, अपवर्ड मूव करेगा, तब जाके हमारे पास क्या होगा, यहां पे मैग्नेटिक या आर्क स्प्लिटर लगा देते हैं, क्या लगा देते हैं, आर्क स्प्लिटर, यहाँ पे आर्क स्प्लिटर लगा दिया, आर्क स्प्लिटर। जब हमने आर्क स्प्लिटर लगाया तो ये आर्क क्या हो जाएगी, डिवाइड हो जाएगी, तो इसके बीच में हमारे पास क्या हो गया कि इंसुलेशन बढ़ जाएगा, या फिर क्या करो, दो कॉन्टेक्ट्स हैं उनके बीच में क्या बढ़ा दो, फाइबर के इंसुलेशन प्रोवाइड कर दो, फाइबर का इंसुलेशन प्रोवाइड कर दोगे तो भी हमारे पास आर्क का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो दो तरीके हो गए हमारे पास, यहाँ पर क्या किया गया, रेजिस्टेंस, आर्क रेजिस्टेंस को बढ़ाना है। तो ये है हमारे पास एयर सर्किट ब्रेकर, कौन सा सर्किट ब्रेकर, एयर सर्किट ब्रेकर। कैसे काम करता है ध्यान से सुनिए, वापस बताते हैं। इसमें क्या होता है, जब हमारे पास फॉल्ट कंडीशन होती है तब हमारे पास फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट इनिशियली क्लोज होते हैं और फिर धीरे धीरे सेपरेट आउट होने लगते हैं, तो वो जो मेन कॉन्टैक्ट होते हैं कॉपर कॉन्टैक्ट होते हैं जिससे करंट जो है वो मूव करती है ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट की ओर, और ऑक्सिलरी कॉन्टैक्ट की ओर मूव करती है जिनको हम क्या बोलते हैं कार्बन कॉन्टैक्ट्स, वहाँ से किस में जाती है, मैग्नेटिक ब्लो आउट कॉइल में, मैग्नेटिक ब्लो आउट कॉइल क्या करती है, एमएमएफ फ्लक्स और मैग्नेटिक फोर्स डेवलप करती है जिसे आर्क के पाथ को अपवर्ड मूव किया जाता है और आगे जाके आर्क को क्या कर दिया जाता है, अलग अलग भागों में स्प्लिट कर दिया जाता है। तो इस तरीके से लेंथ भी बढ़ा दी और हमने आर्क को स्प्लिट भी कर दिया, तो हमारे पास क्या हो गया, आर्क रेजिस्टेंस बढ़ गया, सो हमारे पास आर्क क्या होगी, रीस्ट्राइक नहीं करेगी और आर्क क्या हो जाएगी, एक्सटिंग्विश हो जाएगी। ये है एयर सर्किट ब्रेकर, तो ये इसका ऑपरेशन है। इसको कहाँ यूज़ किया जाता है, इसको डीसी में 9 किलोवोल्ट तक किया जाता है, इन डीसी अप टू 9 केवी और इन एसी अप टू 6.6 केवी, यहाँ तक यूज़ किया जाता है। तो ये लिख दीजिएगा ज़रा प्लीज़, ठीक है। तो इसके ऑपरेशन को आप लिख सकते हो कि पहले क्या हो रहा है फिर उसके बाद क्या हो रहा है। अब एक तो ये हो गया इसका यूज़, दूसरी बात इसका एप्लीकेशन, एक तो ये यहाँ पर हो गया, इसका एप्लीकेशन जो है मीडियम करंट इंटरप्शन में किया जाता है। क्या किया जाता है, मीडियम करंट को इंटरप्शन करने के लिए किया जाता है। ना तो इसको लो करंट इंटरप्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं, इसके लिए नहीं यूज़ कर सकते हैं, ना ही हाई करंट इंटरप्शन के लिए यूज़ कर सकते हैं। क्यों, क्योंकि देखो जरा प्लीज, अगर करंट लो होगी तो एमएमएफ लो होगा तो फ्लक्स लो होगा तो हमारे पास मैग्नेटिक फोर्स लो होगा, ठीक है। मैग्नेटिक फोर्स लो होगा तो इसका मतलब आर्क जो है वो अपवर्ड मूव करेगी नहीं, आर्क अपवर्ड मूव ही नहीं करेगी, तो हमारे पास यहाँ पर आर्क की लेंथ कैसे बढ़ेगी, आर्क स्प्लिट कैसे होगी। तो ये बात है हमारे पास, ठीक है। उसके बाद दूसरा क्या है हमारे पास कि हाई करंट इंटरप्शन मेथड में इसको क्यों नहीं यूज़ कर सकते, हाई करंट इंटरप्शन मेथड में इसलिए नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि करंट का लेवल वेरी हाई रहेगा तो वेरी हाई मैग्नेटिक फोर्स रहेगा, और हो सकता है कि बहुत ज़्यादा मैग्नेटिक फोर्स हो तो ये सर्किट ब्रेकर क्या हो, हमारे पास खुद ही उसको सहन नहीं कर पाए, सस्टेन नहीं कर पाए, तो प्रॉब्लम हो सकता है। तो इसका मतलब लो करंट इंटरप्शन के लिए भी नहीं यूज़ करना इसको और ना ही हाई करंट इंटरप्शन। हाँ, मीडियम करंट रहेगी तो मीडियम फोर्स रहेगा मैग्नेटिक फोर्स और ये उसको सहन कर लेगा, ठीक है।
तो इसको आप वीडियो पोस्ट करके पूरा वन बाय वन लिख दीजिएगा, थ्योरी इसके लिखिए कैसे है, हमारे पास दोनों मेथड लगाए हमने, कैसे लेंथ को आर्क लेंथ को पढ़ाया, उसके बाद आर्क स्प्लिटर की मदद से आर्क को हमने डिवाइड किया, फाइबर इंसुलेशन प्रोवाइड करके यहाँ पर हमारे पास आर्क को रीस्ट्राइक करने से रोक दिया। इसकी एप्लीकेशन लिख दीजिएगा किसके लिए करते हैं, मीडियम करंट इंटरप्शन के लिए, नॉट यूज फॉर द लो एंड हाई करंट इंटरप्शन मेथड, करेक्ट लिखो इसको, फिर आगे डिस्कस करते हैं। अब नेक्स्ट देखेंगे हम लो रेजिस्टेंस आर्क इंटरप्शन मेथड, इसको रिमूव कर देते हैं। लो रेजिस्टेंस आर्क इंटरप्शन मेथड, इसमें क्या करते हैं, लो रेजिस्टेंस रेजिस्टेंस तो नहीं बढ़ाएंगे लेकिन फिर भी दूसरा तरीका कुछ अप्लाई करेंगे, कुछ तो करना ही पड़ेगा। आर्क विल नॉट रिस्ट्राइक सो दैट, ये हमारे पास फिक्स कॉन्टैक्ट हो गया, ये मूविंग कॉन्टैक्ट हो गया, अब यहाँ पर हमारे पास जब फॉल्ट हुआ तो हमारे पास क्या हुई, आर्क डेवलप हुई, आर्क का पाथ है। अब यहाँ पर हम क्या करते हैं इस मेथड में, ये मेथड ये बोलता है कि ये जो कॉन्टैक्ट्स है सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स, इनके बीच में फ्रेश डाइलेक्ट्रिक मीडियम आप डाल दो, फ्रेश डाइलेक्ट्रिक मीडियम क्या करेगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ा देगा। पहले तो क्या थी, एयर थी केवल सर्किट ब्रेकर के कॉन्टेक्स में, अब क्या हो गया, कोई दूसरा डाइलेक्ट्रिक मीडियम आ गया तो डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ बढ़ गई, पहली बात। दूसरी बात क्या, ये जो आयनाइज मीडियम है यहाँ पे जो आयन डेवलप हुए उनको क्या करेगा, रिमूव कर देगा, फ्रेश डाइलेक्ट्रिक मीडियम खुद ही आ जाएगा उस पाथ में। और तीसरी बात क्या, ये जो हीट जनरेट हो गई अंदर आर्क करंट की वजह से, आर्क की वजह से, तो उसको भी ये क्या करेगा, रिमूव करेगा। तो ये फ्रेश डाइलेक्ट्रिक मीडियम कौन कौन से हो सकते हैं, आप यहाँ पर ऑयल डाल सकते हो बिटवीन द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स, आप यहाँ पर SF6 गैस डाल सकते हो, या फिर एयर एट हाई प्रेशर डाल सकते हो, एयर एट वेरी हाई प्रेशर यहाँ पर डाल सकते हो, ठीक है। तो ये अगर डाइलेक्ट्रिक मीडियम यूज किया जाए तो हमारे पास क्या होगा, यहाँ पर आर्क रीस्ट्राइक नहीं करेगी। तो ऑयल अगर आप ऐड करते हो तो उसको ऑयल सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, अगर SF6 गैस ऐड करते हो तो SF6 सर्किट ब्रेकर बोलते हैं, एयर एट वेरी हाई प्रेशर मतलब एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, इसको एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर बोलते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास तीन टाइप के सर्किट ब्रेकर हो जाएंगे। अब एक वैक्यूम सर्किट ब्रेकर भी होता है, वैक्यूम सर्किट ब्रेकर में क्या हो जाएगा, एयर एट वेरी लो प्रेशर, एयर को यहाँ पर वेरी हाई प्रेशर है तो एयर को अगर एट वेरी लो प्रेशर रखा जाए तो वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, वहाँ पर भी हम क्या कर सकते हैं, आर्क को रीस्ट्राइक होने से रोक सकते हैं। तो कुल मिला की बात यह है, इसमें लिखिए जरा, इन लो रेजिस्टेंस आर्क इंटरप्शन मेथड फ्रेश डाइलेक्ट्रिक मीडियम इज इंसर्टेड बिटवीन द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स विच विल इंक्रीज द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑल्सो रिमूव द आयनाइज्ड मीडियम also remove the ionized medium and remove the heat generated by the arc and remove the heat generated by the arc ठीक है।
ये लिख दो। अब ये फ्रेश डाइलेक्ट्रिक मीडियम कौन कौन से होते हैं उसके एग्जांपल लिख देना आप। ऑयल है तो ऑयल सर्किट ब्रेकर, SF6 है तो SF6 सर्किट ब्रेकर, एयर रेट है हाई प्रेशर मतलब एयर ब्लास्ट सर्किट ब्रेकर, ये लिख दीजिएगा आप। ठीक है एग्जाम्पल। अब सबसे पहले स्टार्ट करते हैं ऑयल सर्किट ब्रेकर से। अगर ऑयल यहाँ पर ऐड कर दिया जाए तो क्या होगा? OCB ऑयल सर्किट ब्रेकर। अब देखो इसमें क्या होगा, हम जैसे पहले ही बोल चुके हैं कि हमारे पास फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट, दो कॉन्टैक्ट्स के बीच में यहाँ पर क्या ऐड करना है, ऑयल ऐड करना है। अब ऑयल कैसे ऐड किया जा सकता है उसके दो तरीके हैं हमारे पास। ऑयल सर्किट ब्रेकर भी दो टाइप के होगा, एक तो होगा बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर और एक होगा मिनिएचर ऑयल सर्किट ब्रेकर, MOCB मिनिएचर ऑयल सर्किट ब्रेकर। बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर में क्या करते हैं, हमारे पास ऐसे कोई टैंक होता है, लार्ज ऑयल टैंक होता है। सबसे पहली बात तो ये ऑयल कौन सा होता है, ऑयल जो होता है ट्रांसफार्मर में आप यूज करते हो कूलिंग के लिए और जिसकी इंसुलेशन प्रॉपर्टी भी अच्छी होती है वही ऑयल होता है, मिनरल ऑयल होता है। तो इट इज द ट्रांसफार्मर ऑयल विच हैज द हाई डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ कंपेयर टू एयर। और क्या होता है इसमें, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ हाई होने के साथ साथ इंसुलेशन प्रॉपर्टी भी अच्छी होती है और साथ ही साथ ये क्या प्रोवाइड करता है, कूलिंग ट्रांसफार्मर के केस में। सिमिलरली यहाँ पर भी यही रोल प्ले करता है। ठीक है, तो यहाँ पर क्या किया जाता है, कॉन्टैक्ट के बीच में, फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट के बीच में ये जो ऑयल टैंक होता है इसमें ऑयल भरा रहता है। जब भी ये कॉन्टैक्ट सेपरेट होंगे, फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट, तो उनके बीच में क्या आ जाएगा, ऑयल आ जाएगा जो क्या करेगा, आयनाइज मीडियम को रिमूव कर देगा और हीट जो जनरेट हो रही है उसको भी रिमूव करेगा और आर्क को रीस्ट्राइक होने से रोक देगा, पहला तरीका। लेकिन इसमें प्रॉब्लम क्या है बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर में, कि ऑयल हमें बहुत ज़्यादा चाहिए, करेक्ट, ऑयल बहुत ज़्यादा चाहिए। यहाँ पर हमारे पास मिनिएचर ऑयल सर्किट ब्रेकर भी होता है। मिनिएचर ऑयल सर्किट ब्रेकर में क्या किया जाता है, एक कंजर्वेटर टैंक होता है अलग से जहाँ पे ऑयल भरा हुआ रहता है। ठीक है, वो कंजर्वेटर टैंक यहाँ पे एक नोजल लगी होती है या फिर ऐसे बोल दो कि कुछ पाथ ब्रेक करने के लिए लगा हुआ है। यहाँ पे एक स्मॉल टैंक रहता है, वेरी स्मॉल टैंक। अब सर्किट ब्रेकर के जो कॉन्टैक्ट्स है ना वो इस स्मॉल टैंक में रखे जाते हैं, फिक्स कॉन्टैक्ट और मूविंग कॉन्टैक्ट। जब ये सेपरेट होते हैं तो इनके बीच में जो ये ऑयल होता है वेरी स्मॉल ऑयल ये प्रोवाइड किया जाता है। ठीक, तो इससे हमारे पास क्या हो जाएगी, ऑयल की सेविंग हो जाएगी, बहुत कम ऑयल चाहिए होगा। तो इसलिए जनरली किसका यूज़ किया जाता है, MOCB मिनिएचर ऑयल सर्किट ब्रेकर का यूज़ करते हैं, बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर का नहीं यूज़ करते क्योंकि यहाँ पर लार्ज ऑयल टैंक होता है और ऑयल की ज़्यादा खपत होती है। अब जब हमारे पास, हमने दो पॉइंट पढ़ लिए कि ऑयल हम क्यों ऐड करते हैं, दो पॉइंट हो गए हमारे पास। जब हमारे पास तीसरा पॉइंट यह है कि जब हमारे पास ऑयल ऐड किया जाता है डाइलेक्ट्रिक मीडियम की तरह बिटवीन द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट, तब क्या होता है, तब जो आर्क डेवलप होगी ना उसमें हीट बहुत ज़्यादा होती है, हीट की वजह से टेम्परेचर ज़्यादा होगा और टेम्परेचर की वजह से, फर्स्ट पॉइंट तो ये हो गया, सेकेंड पॉइंट टेम्परेचर की वजह से हमारे पास क्या हो जाएगा, हीट की वजह से ऑयल जो है डीकम्पोज हो जाता है। डीकम्पोस्ट मतलब इसकी वजह से, ऑयल के डिकम्पोजिशन होने की वजह से एसिटिलीन C2H2 प्लस हाइड्रोजन गैस डेवलप हो जाती है, ये गैसेस डेवलप हो जाती है जिसकी वजह से क्या होता है, यहाँ पर हमारे पास बबल्स बनने स्टार्ट हो जाते हैं ऑयल के अंदर। अगर मान लो ऑयल को ज़्यादा गर्म करोगे तो उसमें बबल्स बनना स्टार्ट हो जाते हैं और बबल्स क्या करते हैं, इस मीडियम की डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को क्या करते हैं, पुअर बनाते हैं। हम तो क्या कर रहे थे, सर्किट ब्रेकर के कॉन्टैक्ट्स के बीच में डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर रहे थे सो दैट हीट कैन बी रिमूव्ड, लेकिन यहाँ पर बबल्स बनने के कारण क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ पुअर हो जाएगी। तो इसलिए क्या करते हैं, कंजर्वेटर टैंक से जो ऑयल प्रोवाइड किया जाता है एट वेरी हाई प्रेशर पे ऑयल किसको भेजा जाता है, स्मॉल टैंक को।
हाई प्रेशर भी भेजने से क्या होगा, जो बबल्स की साइज़ है वो क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, और बबल्स की साइज़ जितनी कम होगी उसकी वजह से हमारे पास क्या होगा, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ जो है वो पुअर नहीं होगी, डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ क्या रहेगी, मेंटेन रहेगी। तो आप दूसरी बात ये हो गया कि ऑयल सर्किट ब्रेकर जो है हमारे पास कहाँ तक यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट, ये अप टू 66 kV किया जाता है, अप टू 66 kV, उससे ज़्यादा के लिए नहीं किया जाता है। अब हमारे पास, क्योंकि जैसे जैसे वोल्टेज का लेवल हाई होगा उतना ज़्यादा आर की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी, उतनी हमारे पास क्या आर की स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो ऑयल का डिकम्पोजिशन बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगा। और हाइड्रोजन गैस, आप जानते हो कि हमारे पास हाइड्रोजन गैस अगर एयर के साथ मिक्स हो जाएगी तो यहाँ पर हमारे पास प्रॉब्लम हो सकता है, तो यहाँ पर हमारे पास एक्सप्लोजिव नेचर क्रिएट हो जाएगा, एक्सप्लोजन हो सकता है, तो इसलिए यहाँ पर ये थोड़ी दिक्कत रहती है। और यहाँ पर हमारे पास क्या होता है, प्रिसिपिटेशन ऑफ कार्बन की भी प्रॉब्लम रहती है, तो ये सारी प्रॉब्लम रहती है जिसकी वजह से ऑयल सर्किट ब्रेकर को हाई वोल्टेज लेवल पे नहीं यूज़ किया जाता है। तो इसमें वन बाई वन फर्स्ट पॉइंट लिखिएगा फटाफट, फर्स्ट पॉइंट लिखिए, इन दिस सर्किट ब्रेकर, ये डायग्राम बना लेना वीडियो पॉज करके, सिर्फ इतना, इन दिस सर्किट ब्रेकर ऑयल इज पुट बिटवीन द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स विच हैज द हायर डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ देन एयर will, या फिर इसमें लिखो, this oil has insulating property and also provide cooling. It is transformer oil or mineral oil. Second point में लिखेंगे आप कितने टाइप के ऑयल सर्किट ब्रेकर होंगे, वीडियो पॉज करके दोनों का डायग्राम बना दीजिएगा कि बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर और MOC भी होते हैं, मिनिएचर ऑयल सर्किट ब्रेकर। जनरली हम कौन सा यूज़ करेंगे, MOC भी यूज़ करेंगे, बिकॉज बल्क ऑयल सर्किट ब्रेकर में क्या होता है, हमारे पास ज़्यादा ऑयल की रिक्वायरमेंट होती है। ठीक है, इसमें ये लिख दो वीडियो पॉज करके, फिर आगे लिखिएगा, ये लिखने के बाद आगे लिखिएगा, जनरली MOCB is preferred to bulk oil circuit breaker because bulk oil circuit breaker require large amount of oil in MOCB separate conservator tank is provided and contacts and circuit breaker contacts are placed in the small oil tank ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट लिखेंगे हीट के बारे में, व्हेन देयर इज आर्क डेवलप्ड बिटवीन द सर्किट ब्रेकर कॉन्टैक्ट्स हीट विल जनरेट इट विल डीकंपोज द ऑयल It will decompose the oil into acetylene and hydrogen gases.
एंड देयर इज गैसियस बबल फॉर्मेशन, गैसियस बबल फॉर्मेशन. दीज बबल्स रिड्यूस द डाइलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ ऑफ ऑयल to reduce the size of bubbles, oil from the conservator tank is provided at high, very, very high pressure. Oil from conservator tank is provided at very high pressure. ठीक है, आगे लिख दीजिए. इट इज यूज्ड अप टू द 66 केवी. नॉट मोर देन दिस. क्यों नहीं यूज करेंगे? क्योंकि ऑयल का डिकम्पोजिशन बहुत ज्यादा हो जाएगा. ठीक, आगे देखो इसमें प्रॉब्लम क्या है वो लिख दीजिए. इन ऑयल सर्किट ब्रेकर हाइड्रोजन गैस इज एक्सप्लोजिव टू द एयर, इज एक्सप्लोजिव मिक्सचर, इज एक्सप्लोजिव टू द एयर. ऑल्सो देयर इज प्रिसिपिटेशन ऑफ कार्बन पार्टिकल्स, प्रिसिपिटेशन ऑफ कार्बन पार्टिकल्स. And due to the deterioration of oil, due to deterioration, मतलब इसमें जो oil जो है धीरे धीरे deteriorate होता रहेगा. Due to the deterioration of oil, there is replacement of oil is required. There is replacement of oil is required. ठीक है, ये हो गया हमारे पास ऑयल सर्किट ब्रेकर.